नहीं ऐसे ही कौन कौन से गैस सिलेंडर खरीदते हैं? पर आप क्यों पूछ रही हैं? स्टडी पर्पस के लिए। कार्बन मोनोक्साइड खरीदते हैं क्या? कार्बन मोनोक्साइड सिर्फ केमिकल इंडस्ट्री में यूज होता है, श्वास नली में गया तो आदमी खत्म। पर ये सब आप क्यों पूछ रही हैं? ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए पूछा। थैंक्स सर, हमने वो एड्रेस मैसेज कर दिया है। थैंक्स फॉर कॉलिंग जस्ट डायल। सर, हमारे ट्रस्ट में एक ही एम्बुलेंस थी, वो भी एक्सीडेंट की वजह से एक साल से रिपेयर के लिए पड़ी हुई है। क्या करेंगे, ट्रस्ट के पास फंड नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। तुमने बताया वो सही था, हमारे हॉस्पिटल में कार्बन मोनोक्साइड खरीदते नहीं हैं, लेकिन सिस्टम में एक इन्फॉर्मेशन मिली है। क्या? इस साल में अब तक सिर्फ 20 लोग ऐसे थे जिनका ब्रेन डेड हुआ था, उनमें से 11 लोग के ऑर्गन्स गवर्नमेंट की तरफ से डोनेट किए गए थे। बाकी 9 लोगों के बारे में गवर्नमेंट को कोई इन्फॉर्मेशन दिए बिना ही उन लोगों के ऑर्गन्स को चुराया गया है। और ये सब किया है हमारे हॉस्पिटल के डीन डॉक्टर देव संग्राम ने। इन 9 लोगों में एक सिमिलैरिटी है, ये सभी लोग नॉर्थ इंडिया से काम करने के लिए आने वाले साधारण वर्कर्स थे। इन सभी लोगों का लोकल इंचार्ज है एसपी मैनपावर एजेंसी का ओनर सिंह परमार, वही जिससे तुमने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था। वही है। तुमने जो बताया उसका कोई प्रूफ है? है ना। एक काम करो, सबको पेन ड्राइव में सेव करो और जीवा पार्क में मिलो। नगर स्टेशन के इंस्पेक्टर के लिए एडिशनल चार्ज मुझे मिला है। जब तक यहाँ आकर कोई ज्वाइन करेगा तब तक का इंचार्ज मैं हूँ। मैं 54 साल से कांस्टेबल के पोस्ट पर हूँ और आईजी साहब का ड्राइवर भी था। मेरे रिटायरमेंट का समय आ गया और मैं अभी तक ड्राइवर हूँ, इसीलिए उन्होंने मेरी ड्यूटी चौकी में लगा दी। मैं भी 4 साल का बचा हुआ समय चौकी में बिता दूंगा सोचा था, लेकिन यहाँ पर होने वाले नाइंसाफी को देखकर मैंने भी सोचा कि मेरे बचे हुए 4 साल मैं नाइंसाफी के खिलाफ लड़ूंगा। शारीरिक रूप से मैं बहुत मजबूत नहीं हूँ और ना ही मेरी इतनी ट्रेनिंग है। मेरी जान भी चली जाए तो भी परवाह नहीं, लेकिन इस केस से संबंधित जो भी मुजरिम है उन्हें मैं ढूंढ ही निकालूंगा और उन्हें सजा दिलाकर ही रहूंगा। डॉक्टर देव संग्राम लंदन नहीं गए, मुंबई ट्रांजिट में उतरकर चेन्नई आ गए हैं। ये मेरे फ्रेंड के थ्रू पता चला है, उनका ईसीआर में एक गेस्ट हाउस है, वो वहाँ हो सकते हैं। सॉरी, कल माने जो कुछ भी कहा। मुझे पता था तुम लोग आओगे जरूर। एक इंसान की जान बचाना डॉक्टर का फर्ज होता है, लेकिन एक इंसान की जान लेने का पाप आपने क्यों किया? ऑर्गन ट्रेड दुनिया में ये बिजनेस बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा है। पैसे के लिए इंसान के ऑर्गन्स बेचना और खरीदना, ये पाप मैंने किया, लेकिन इस सब के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। सिंह परमार का बेटा दोराई, आपको बाहर निकालने के लिए दोराई सर ने मुझे भेजा है, वो लाइन पे है,
आपसे बात करना चाहते हैं। पापा, अपने मुंह से मुझे पापा मत बुलाओ। इतने सालों में मैंने जो भी इज्जत कमाई, लोगों के बीच में अपनी मान मर्यादा मैंने बनाई, उन सबको तुमने उजाड़ कर रख दिया। संपत ने बोल दिया क्या? ज्यादा इमोशनल मत होइए, गलतियां होती रहती हैं। बिजनेस में ऐसा ही होता है। दूसरों की जिंदगी से खेलना तुम्हारा बिजनेस है। एक बाप जो कभी नहीं बोल सकता, वो आज मैं तुमसे बोल रहा हूँ। तुम चैन से नहीं जी पाओगे। मजिस्ट्रेट के सामने मैं तुम्हारे बारे में सारे सच बताकर तुम्हें फांसी के फंदे पर चढ़वा दूंगा। मानता हूँ आपको बिना बताए मैंने अपने आदमी को आपके यहाँ रख दिया। अब बाप की जायदाद में बेटे का हक तो बनता ही है ना। ध्यान से सुनिए, जो मैं कह रहा हूँ उसको मानिएगा तो कुछ दिन और जिंदा रहिएगा। मुझे अपनी जिंदगी भीख के रूप में तुमसे लेने की कोई जरूरत नहीं। तुमने जो कुकर्म किए हैं ना, उनकी सजा दिलवा कर ही मैं मरूंगा। फिर मुझे छोड़ना पड़ा दिवाली का रॉकेट। मेडिकल टूरिज्म, बाहर देश से मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए फॉरेनर्स इंडिया आते हैं। उनके साथ क्या होता है ये किसी को पता नहीं चलता, लेकिन शरीर के अंग बदले जाते हैं। शरीर के अंगों को बदलने के लिए दूसरे देशों से ज्यादा चांसेस यहाँ पर है और पैसा भी कम लगता है। शरीर के अंग बदलवाने वाले फॉरेनर्स और उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए जिनके एजेंट्स काम करते हैं, उनका ब्रोकर है दोराई। शरीर के अंग की चोरी में हमें पता है कि एक ही अंग किडनी है, लेकिन इसके अलावा हम शरीर के बहुत सारे अंगों को ट्रेड मार्केट में बदलते हैं। मान लीजिए मेरे शरीर का वजन 90 किलो है, तो इसे घटाकर नस में हार्मोन सिक्रीशन करके, टिश्यूज और फेफड़े ठीक से फंक्शन करके, दिल को एक मिनट में 87 बार धड़काया जा सकता है, तो मेरे शरीर की कीमत इंडियन रुपीज में लगभग 2 करोड़ रुपए होगी। जो बच्चे बाहर से आके यहाँ नौकरी करते हैं, उनके पेरेंट्स नहीं होने की वजह से उन्हें एम्बुलेंस में कार्बन मोनोऑक्साइड दी जाती है, जिससे उनका ब्रेन डेड हो जाता है और फिर उन्हें हॉस्पिटल लाया जाता है। ये ध्यान रखा जाता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा उतनी ही हो कि उससे दूसरे शरीर के अंगों पर प्रभाव ना पड़े, और फिर उसे थोड़ी सी ऑक्सीजन देके उसे जिंदा रखा जाता है, और यह सिलसिला काफी अरसे से चल रहा है। मेरे इकलौते बेटे का हार्ट ट्रांसप्लांट भी इसी तरह हुआ था। यस, उसके लिए मैं इस बात पे राजी हो गया था। बचपन से ही उसे दिल की बीमारी थी, तो हार्ट ट्रांसप्लांट के बिना उसका जिंदा रहना मुमकिन नहीं था। ऐसे हालात में दोराई ने मेरे साथ सौदा किया, लेकिन ऑपरेशन के 6 महीने बाद ही वो गुजर गया। मैंने दोराई से कहा कि मैं वैसा और आगे कुछ नहीं करना चाहता। डॉक्टर, या तो आपको मरना होगा या मुझे मरना होगा। तब तक के लिए अपने बीच होने वाले डील को कैंसिल नहीं कर सकते। धमकी दे रहे हो क्या? पुलिस के पास जाओगे क्या? ना मैं पुलिस के पास जाऊंगा और ना ही मीडिया के पास जाऊंगा। अब पूछोगे कौन सा सबूत है मेरे पास? हमने जो डील की बात की और जो पैसे आपको दिए, उन सब का पक्का वीडियो है मेरे पास। दोराई, ये बहुत गलत है। मैं जिस लड़के पे हाथ रख देता हूँ, आंख बंद करके वो पक्का वफादार हो जाता है, क्योंकि वो लोग जिंदा रहेंगे तो उनके परिवार को ही फायदा होगा, मरेंगे तो भी कई लोगों का फायदा होगा। गोश्त खाने के लिए लोग मुर्गे नहीं पालते। ऐसी सोच रखोगे तो चीजें डाइजेस्ट हो जाएंगी। आप लोगों के आने से ठीक 1 मिनट पहले मैंने एक इंजेक्शन लगा लिया। आई एम काउंटिंग माय लास्ट मिनट्स। इतना बताना चाहूंगा कि तोराई आम आदमी नहीं है। जब वो अपने बाप को मार सकता है, तो फिर मैं क्या चीज हूँ? उसके लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स में मैं और सिंह परमार एक साथ हैं। ये भी दोराई का ही आइडिया था। कोई भी डॉक्टर से मैं बच नहीं पाऊंगा। मैंने इंजेक्शन लगाया 0.2 डाइमिथाइल मर्करी का। हार्ट ट्रांसप्लांट के फेमस डॉक्टर डॉक्टर देव संग्राम। I told him I'll handle this। मैंने कहा था मैं देख लूंगा, लेकिन शायद कुछ ज्यादा ही डर गए। तुम फिक्र मत करो, सब करेक्ट चलेगा। Don't worry। यही उनकी आत्महत्या का कारण हो सकता है।
दुराई का फोन बिल है और ये है सेंट बॉटल का बिल। आखिरी बार फॉरेन की दारू 15 लाख की ली थी, ये उसका बिल है, बस इतना ही। और बाकी उसमें 5 मसाला पिक्चर्स, वो ओपन होगा कि नहीं वही चेक कर रहे हैं सर, काफी देर से लगे हैं। पता नहीं ये वर्कआउट हो पाएगा कि नहीं। देखा, सुन लिया ना, ये लो। अरे ये क्या है? A-B whole square plus 10, और इसमें लिखा है materials are ready to be delivered soon, ऐसा एक लेटर है, तुरंत भेजने की बात की गई है। जितना हो सकता था सारी कोशिश कर ली यार, मुझे नहीं लगता है कि अब कुछ भी मिलने वाला है हमें। ऐसे नेगेटिव सोचना बंद करो और पॉजिटिव सोचो, कुछ ना कुछ प्रूफ जरूर मिल जाएगा। नमस्ते मैडम, इसमें प्लस और माइनस डाला हुआ है, अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव बोल के मेरा सिर और मत घुमाओ। क्या आइडिया है सर? अब कौन सा आइडिया? मेडिकल टर्म्स में प्लस माइनस को पॉजिटिव नेगेटिव बोलते हैं ना? हाँ। तो फिर इस फॉर्मूले में प्लस माइनस ब्लड ग्रुप को इशारा करने वाला कोड वर्ड नहीं हो सकता? उस पेपर को उठाओ। ये लो भाई। सर एक्सक्यूज मी, ए प्लस बी द होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 10। इसे और ब्लड ग्रुप से मैच करके देखेंगे तो ए पॉजिटिव में 2 लोग, बी पॉजिटिव में 2 लोग और ए बी नेगेटिव में 2 लोग। और वो प्लस 10? वो प्लस 10 ना होकर ओ पॉजिटिव हो सकता है ना? मैडम, ब्लड ग्रुप में कोड वर्ड बोल रही हैं, लेकिन ये कंफर्म कैसे होगा ये तो बताइए। उसका भी एक रास्ता है भाई। आपके कहने के मुताबिक ये 7 लोगों का ब्लड ग्रुप है। डॉक्टर के मरने के बाद लड़कों को जिंदा भेजना ही दुराई का प्लान है। ये सभी लोग उस मैन पावर एजेंसी में ही काम करते हैं, उन लोगों के बारे में और कुछ नहीं जानता। उस नेटवर्क के पास ट्रांसफर करने के बाद ही हम लोगों का काम खत्म। उसके बाद अगर हम लोग चाहें भी तो उससे मिल नहीं पाते हैं। काम खत्म होने के बाद ही हम लोग बॉम्बे पहुंच जाएंगे। मुझे इतना ही पता है, उस साइट के लिंक को पूरा जानने वाला सिर्फ दोराई ही है। दोराई को पकड़ने से बेहतर उन सभी की जान बचाना हमारे लिए जरूरी है। मैन पावर एजेंसी से सबके लिस्ट को लेना होगा और उसमें से उन 7ों को ढूंढना होगा। पर ये इतना आसान नहीं होगा, वहाँ लगभग 10,000 लोग होंगे और ओ पॉजिटिव ग्रुप के बहुत कम लोग होंगे वहाँ। कौन है वो? उसका नाम महेश है। उस दिन मेरी सिक्योरिटी में गार्ड बन के आया था। R5 पुलिस स्टेशन का कांस्टेबल है वो। कांस्टेबल? मैनपावर एजेंसी में काम करने वाले सबकी ब्लड ग्रुप डिटेल्स इसमें है। वो कहाँ कहाँ काम करते हैं सारी डिटेल्स इसमें है। डीन ने बताया था कि जो अनाथ बच्चे हैं वही उसका टारगेट होते हैं। अपने पास जो ब्लड ग्रुप है उसके साथ मैच होने वाले और जिनके पेरेंट्स नहीं है उन लड़कों को ढूंढ निकालेंगे तो। वो सभी बचाए जा सकते हैं। राज सिंह सर, सुखदेव सर, साई राम सर, उपेंद्र सिंह राघव। उपेंद्र सिंह कहां पर है? उत्तर भाई सर, माधव सर, अपिल भाई यस सर, अर्जुन उस तरफ गया है सर। राजू पुलिस, लगता है कोई दरवाजा तोड़कर अंदर आया। इसके बाद तो यहां पर खतरा है, चलो। संघ के नेता की, मिट्टी के राजा की, दल का तमिलनाडु, शेर तमिलनाडु। थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया।
जाओ तुम लोग। तुझ जैसे ऐसे छोटे आदमी के लिए ऐसे हेल्पर का काम ही बिल्कुल करेक्ट है। उस पर से 54 MLA, 15 मिनिस्टर, 1000 चेले रखने वाले मेरे जैसे एक को जेल भेजने का सपना नहीं देखना चाहिए था तुझे। समझ गया? घूर क्या रहा है तू? आंख से ही मार डालेगा। पीछे झुंड देख रहा है तू? मेरे ऊपर एक सुई भी गिरेगी तो ये गिराने वाले को उड़ा देंगे। मेरे भेजे हुए 7 बच्चों को तो तूने बचा लिया, लेकिन जल्दी गवर्नमेंट के सपोर्ट के साथ मैं 15 लोगों को फ्लाइट से भेजने वाला मुंबई के लिए। बिजनेस अब बड़े पैमाने पे चलेगा। इस इलेक्शन में जीत के मैं MLA बन के मंत्री बन जाऊंगा। तू मेरा एक बाल भी नहीं उखाड़ सकता। जिंदगी में जितनी भी तमन्नाएं हैं जल्दी पूरी कर ले, क्योंकि इसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा। अब मुलाकात तो होगी नहीं, तो आखिरी बार लेट्स टेक अ सेल्फी। कम ऑन बॉय। से निवेदन करूंगा कि वे नेताजी को माला पहनाकर सम्मानित करें। सर ने बोला फेंकने के लिए फेंक दे। ये सब तो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए करते हैं ना। अगर किसी की जान चली गई तो हमें आतंकवादी बोलकर वो तिहाड़ जेल में डाल देंगे। अरे बाप रे, देखो हाथ कैसे कांप रहा है। देखिए, मेरे पास कहानी सुनने का वक्त नहीं है, कहाँ पे ध्यान दीजिए। इसने आग क्यों लगा दी तुमने? फेंकने के लिए फेंको। अच्छा हुआ किसी की जान नहीं गई। हाँ, ये क्या? एक और जला रहा है। इतना डर के फेंकेगा तो कोई नहीं मरेगा। इसे फिर से फेंक फेंक दे। गलती से गोली लगे, ब्लीडिंग भी ज्यादा हो रही है, जल्दी से उठाओ इन्हें, एम्बुलेंस में ले जाना होगा। एम्बुलेंस बुलाओ। अरे एम्बुलेंस अब तक आई क्यों नहीं? एम्बुलेंस चाहिए। रास्ता छोड़ो, डोर क्लोज करना है। आप अंदर आइए।
54 एमएलए 15 मिनिस्टर हजारों चेले रखने का मतलब जानता है लेकिन कोई फायदा नहीं। तुम मुझ जैसे साधारण कांस्टेबल के बारे में जानता नहीं है ना। इस दुनिया में कुछ लोगों को खरीद नहीं सकते, माँ बाप, अच्छे दोस्त, सच्चा पुलिस वाला। तुझ जैसे आदमी मरेंगे तो नरक में जाएंगे लेकिन तू सीधा स्वर्ग में जाएगा क्योंकि तू तेरे शरीर के सारे अंग दान में देने वाला है, ऐसा तूने डोनर कार्ड पर लिखा हुआ है। कोई बात नहीं, तू मरकर भी बहुत लोगों की मदद करने वाला है। इसके बाद मैं तुझे दिखने वाला भी नहीं हूं। सो फाइनली आखिरी बार लेट्स टेक अ सेल्फी। अब तक तूने जितनी जाने ली है वो कितना तड़प तड़प कर मरे होंगे, उन सब की हाय तो तुझे लगेगी ही ना, तो तू भी तड़प कर मरेगा। पार्टी मीटिंग में जो घटना घटी उसके लिए हमने एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई है। उसके वीडियो फुटेज को हम लोग एनालाइज करेंगे। किसी आतंकवादी संगठन का ये काम हो सकता है ऐसा संदेह व्यक्त किया जा रहा है। इस दंगे के दौरान ही दोराई डीप कोमा में चले गए हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि कोई जानमाल की हानि नहीं हुई। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी पुलिस डिपार्टमेंट इसी तरह से अपना काम पूरा करता रहेगा। थैंक यू। देखो 20 सड़क पे आके खड़े हो जाते हैं, अरे क्या लफड़ा है इनका, जब पुलिस आएगी तब सुधरेंगे। भाई अपने नए लॉ एंड ऑर्डर पुलिस इंस्पेक्टर के बारे में इनको नहीं पता है, अभी अभी इनके पर्सनल नंबर पे कॉल किया था, देखो आकर कैसे इनको धोते हैं। ये लो आ भी गए वो। Hey!